चेतन भगत जी ने भी कुछ जो किए थे आपके ऊपर कमेंट? चेतन से पूछो यार, क्या ही कर रहे हो। पता नहीं यार चेतन के दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों एक लिटरेचर फेस्टिवल पे मेरे बारे में बोलने की क्या जरूरत थी। उर्फी जावेद इन दिनों हर जगह छाई हुई है, अपने अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड से उर्फी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां कुछ लोगों को उर्फी का ड्रेसिंग सेंस और उनका बिंदास नेचर पसंद आता है, वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते हुए भी देखे जाते हैं। उर्फी जावेद के ड्रेसिंग सेंस पर आए दिन सेलिब्रिटीज भी कमेंट कर देते हैं, जिसका जवाब उर्फी अपने अंदाज में देती हैं। ऐसा ही कुछ इस बार हुआ जब एक कॉलेज में लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान जाने माने लेखक चेतन भगत ने उर्फी जावेद का नाम लिया। चेतन भगत अपने इस बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। चेतन भगत हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए जिसमें उन्होंने कहा, इंटरनेट सही चीज है लेकिन इसने युवाओं को कमजोर कर दिया है। पूरा दिन लड़के फोन में रील्स वीडियो देखते हैं, तस्वीरें लाइक करते हैं, युवा उर्फी जावेद की फोटो लाइक कर रहे हैं। इंटरव्यू में क्या कहोगे कि मुझे उर्फी की सारी ड्रेसेस के बारे में मालूम है। उर्फी तो अपना करियर बना रही है, इसमें उसकी गलती नहीं है। बिस्तर में घुसकर लोग उसकी फोटोज देखते हैं, आज मैं भी देखकर आया हूँ। उर्फी ने दो फोन पहने हैं, जिसके बाद जब चेतन भगत के इस बयान पर उर्फी जावेद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। चेतन भगत जी ने भी कुछ किए थे आपके ऊपर कमेंट? चेतन से पूछो यार, क्या ही कर रहे हो। पता नहीं यार चेतन के दिमाग में क्या चल रहा था, कि वो एक लिटरेचर फेस्टिवल पे मेरे बारे में बोलने की क्या जरूरत थी।